इन्होंने अच्छा खासा ड्रिफ्ट किया और यहाँ पे एक फॉल ट्रैक के बीच में टॉर्नेडो। सो गाइस आप लोग देख सकते हो मैं आया हूँ #50 ट्रैक पे और यहाँ पे एक मोटोक्रॉस ट्रैक बना है जो कि पावर्ड है कैस्ट्रोल की तरफ से। सो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े राइडर्स आ चुके हैं, देख लो। सो हम भी इस ट्रैक पे अभी जाएंगे। सो यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स के बाइक है, आप देख लो। इन्होंने अच्छा खासा ड्रिफ्ट किया और यहाँ पे एक फॉल स्पीड बहुत हो रही है यार, पीछे हैवी है अपनी बाइक। ड्राइव में बेस्ट यार जो कि साथ कोपअप कर पाऊँ, बट ऑब्वियसली हर किसी की एक्सपल्स है, सो एक्सपल्स के साथ तो जितना पॉसिबल है नहीं, बट स्टिल आई एम ड्राइंग माई बेस्ट। जम तो फिलहाल नहीं, तो यहाँ पे एक जंप हो सकता है। वहाँ पे तो लोग रेस कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली यार बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल है वो, हम तो यहाँ पे अपने स्किल्स बढ़ा रहे हैं, स्लोली जाके पहले सीख लेंगे ना, इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा फिलहाल। और ये जंप अच्छी खासी हो चुकी है, झटका लग गया हल्का सा हाथों पे, तो जंप थोड़ा बड़ा था आप देख सकते हो वहाँ पे। ट्राई करना चाहिए इस साइड और, कॉन्फिडेंस भी आ रहा है साइड पग के लिए। और ये गाड़ी अच्छी खासी घूम गई थी, वापे यहाँ पे एक जंप है और ये फिर से एक जंप। आपण त्यांच्याच प्रतिक्रिया घेणार आहोत, काय सांगाल, एक वेगळा अनुभव आहे, एक वेगळा एक्सपिरियन्स आहे, काय सांगाल? सो बेसिकली कसं आहे ना की आपण सर्व जॉब करतो वगैरे, तर खूप कमी टाइम येतो आम्हाला अशा जागेवरती प्रॅक्टिस करायला वगैरे। सो जेव्हा इथे येतो ना तेव्हा एक असं वेगळं असं फील होतं की कुठेतरी आलो आहोत आणि कुठेतरी एक स्वर्ग असं दिसतं आम्हाला। स्पेशली जे बाईक एन्थुसियास्ट आहेत त्यांच्यासाठी हे ट्रॅक वगैरे म्हणजे स्वर्गच झालं आमच्यासाठी तरी, आणि खूप कमी मुंबईमध्ये असे खूप कमी जागे आहेत जिथे असे ट्रॅक्स वगैरे आहेत। सो असे ट्रॅक्स बघून और ये रहा टॉर्नेडो, ओ फ्रिक, ट्रैक के बीच में टॉर्नेडो, ओ फ्रिक, लेट्स गो। अब टॉर्नेडो भी जा रहे हैं ट्रैक पे, बर्तक बना यार, ओ फ्रिक बहुत ऊपर तक बना है और ये बंद हो गया फाइनल। चलो जाते हैं अब ट्रैक पे। सो मैंने अभी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर ली है, सो अभी हम उस माउंटेंस वाले पार्ट से भी जा सकते हैं एंड साइड वॉल से भी जा सकते हैं। सो मैंने पहले 5-6 लैप मारे इसके ऊपर और अब वी आर रेडी टू गो। और ये रहा साइड वॉल फर्स्ट, यहाँ पे एक जन अटक गए, कोई नहीं, ओके लेडी राइडर है। लेट हर गो, चलो हम साइड से निकल जाते हैं। ओह फ्रिक, हम भी अटक गए। सो पहले हम यहाँ से जाते थे, अब हम यहाँ से जाएंगे। ओह फ्रिक, बहुत ज़्यादा इंक्लाइन है और ये बहुत ज़्यादा ही डिक्लाइन। ओ आ, आ, आ,
ओ फ्रिक। वैसे यार गोप्रो के फुटेज में इतना क्लियर नहीं आ रहा, लेकिन बहुत ज़्यादा ही ऐसा इंक्लाइन था और डिक्लाइन था। यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड गियर में ही चलाने में मज़ा है, आप थर्ड गियर में डालोगे तो आप ऑब्वियसली स्लिप होकर गिर जाओगे। बहुत जन उसके ऊपर से गिर गए बिकॉज वो हायर गियर्स पे थे। सो ये रहा अलग सा साइड, ओह फ्रेक। और आप देख सकते हो ओ फक, अब गिरते गिरते बच गए हम। कोई नहीं यार, गिरेंगे तो सीखते ही जाएंगे। अरे तो और एक साइड वॉल, यहाँ पे बेसिकली नॉबी टार्स चाहिए। नॉबी टार्स वो होते हैं जो यू नो ऐसे वो हुक टाइप्स होते हैं, बटन बटन वाले। सो यहाँ पे एक जंप है, लेट जंप। और ओ और यहाँ पे और एक साइड वॉल, फर्स्ट गियर और पीछे का टायर स्लिप। नहीं यहाँ पे अटक गए बिकॉज यहाँ पे मिट्टी आप देख सकते हो भरा हुआ था। और प्लीज़ जो लोग कमेंट करेंगे ना कि यार बहाना मत दें ऑल भाई, ट्रैक पे आओ पता चलेगा। और मैं कोई इतना बड़ा प्रोफेशनल लेवल का राइडर भी नहीं हूँ, हाँ बस मैं एंथुसियास्ट हूँ जो सीख रहा हूँ। और एक साइड वॉल और पीछे का टायर स्किड। और एक स्केड और ये रहा साइड वॉल पे। बेसिकली स्लो जाके बस आपको रेव करना हल्का सा, टायर आपका ऑटोमेटिकली घूम जाता है, पीछे का टायर ऐसा स्किड हो जाता है। जिस टायर डायरेक्शन पे आपका हैंडल होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन पे स्किड होता है। तो जैसे कि अभी राइट पे और मैं थोड़ा सा एक्सी दूंगा ना तो लेफ्ट पे घूम जाएगा। और हमेशा याद रखना है कि जब भी आप साइड वॉल पे करो ना तो आपका अपोजिट वाला पैर बाहर हो, ताकि अगर आप स्लिप भी हो जाते हो ना तो पैर के झटके से आप ऊपर ले सकते हो अपने आप को। हाँ फाइनली लैप कंप्लीटेड। सो गाइस यही था कुछ आज इस ब्लॉग में, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में।